Hello friends, welcome in my class. Today I am teaching you statistics and this is short sum about chapter number 4 time series. Okay, time series के regarding ये short sum है जिसमें आपको table create नहीं करना है, but table के last में like sigma t square, okay, sigma y, then sigma t y जो हम find out करते हैं वो आपको यहाँ पे आंसर क्वेश्चन में गिवन है और उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला में पुट करके आंसर फाइंड आउट करना है. सो सी हियर एग्जांपल, ऑब्टेन द लीनियर इक्वेशन फॉर ट्रेन फॉर ए टाइम सीरीज विथ एन इक्वल टू 8. ओके, एन इक्वल टू 8 गिवन है, सिग्मा वाई इक्वल टू 344 एंड सिग्मा टी वाई इक्वल टू 1342. यहाँ पे आपको n इक्वल टू गिवन है, सिग्मा y इक्वल टू गिवन है, देन सिग्मा t y. बट सिग्मा t क्या है, सिग्मा t स्क्वायर क्या है, हमारे फॉर्मूला में क्या चाहिए हमें, सी सिग्मा t y वो गिवन है, सिग्मा t हमें पता नहीं है, देन सिग्मा y गिवन है बट सिग्मा t स्क्वायर गिवन नहीं है. तो हमें क्या करना है, दो फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑफ सिग्मा t एंड सिग्मा t स्क्वायर. तो देखो यहाँ पे n 8 गिवन है, इट मीन्स t हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिग्मा टी कैसे फाइंड आउट करेंगे, 8 है, इट मींस जहां पे ईयर स्टार्ट होगा फर्स्ट टू 8, तो फर्स्ट टू 8 का टोटल करेंगे तो 36 हो गया आपका सिग्मा टी. और सिग्मा टी स्क्वायर, इट मींस आपको पता है जो भी हम टी लेते हैं उसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, सब में जैसे हम लिखते 1 2 3 4 और उसका स्क्वायर 1 2 4 3 3 9 4 4 16 है ना, इसको बोलते हैं टी स्क्वायर. तो हमें सिग्मा टी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर टिल 8 स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर करके टोटल आ जाएगा आपका 204. ओके, देखो अब सारे वैल्यूज हमारे पास हैं, सिग्मा टी भी है, सिग्मा टी स्क्वायर भी है, सिग्मा वाई है, सिग्मा टी वाई है. ओके, अब क्या करेंगे, टी बार फाइंड आउट करेंगे, टी बार इक्वल टू सिग्मा टी अपॉन एन, जो हमने सिग्मा टी अभी फाइंड आउट किया 36 डिवाइडेड बाय n गिवन है 8, सो आंसर इज 4.5. एंड y बार इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n, सिग्मा y यहां पे गिवन है 344, सो 344 डिवाइडेड बाय 8 आंसर इज 43. अब सारे वैल्यूज आपके पास है, ये फार्मूला में पुट कर दो, फार्मूला इज b इक्वल टू n सिग्मा t बाय माइनस सिग्मा t इनटू सिग्मा y अपॉन n सिग्मा t स्क्वायर एंड माइनस सिग्मा टी होल द स्क्वायर. अब देखो एन के प्लेस पे 8, सिग्मा टी वाई 1342 माइनस सिग्मा टी हमने फाइंड आउट किया 36 इनटू सिग्मा वाई गिवन है 344. ओके, अपॉन अगेन एन 8, देन सिग्मा टी स्क्वायर हमने फाइंड आउट किया 204 माइनस सिग्मा टी इक्वल टू 36 होल स्क्वायर. ओके, अब क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो आंसर आएगा 10736 माइनस 12384 एंड अपॉन 204 इनटू 8, सो 1633 माइनस 36 का स्क्वायर 1296. अब देखो 10736 माइनस 12, इट मींस 10736 माइनस 12384 करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 1648. ओके, अपॉन 338, सो बी इक्वल टू माइनस 4.90. ओके, अब हमें ये फाइंड आउट करना है, आपको इक्वेशन पूछा है, तो इक्वेशन लिखने के लिए हमें ए और बी दोनों हमें फाइंड आउट करना है. सो ए इक्वल टू वाई बार माइनस बी टी बार, तो वाई बार इक्वल टू 43 जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, माइनस बी इक्वल टू माइनस 4.90, टी बार हमने कितना फाइंड आउट किया, 4.5, सो 4.5 सॉल्व करते हैं, ए इक्वल टू 65.05. अब क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन फॉर ट्रेन, ट्रेन के लिए हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है, वाई कैप इक्वल टू ए प्लस बी टी, सो ए इक्वल टू 65.05 प्लस या फिर वैल्यू दी है किसकी, बी की 4.90 जो हमने फाइंड आउट किया,
एंटी, अब यहाँ पे देखो माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, सो 65.05 माइनस 4.90 टी। ओके फ्रेंड्स, देखा कितना इजी है, सारे वैल्यूज गिवन है, सिर्फ आपको क्या फाइंड आउट करना है, सिग्मा टी और सिग्मा टी स्क्वायर। ओके, वो फाइंड आउट करने के बाद जैसे हम वैल्यूज में फाइंड आउट करते हैं वैसे ही आपको फाइंड आउट करना है। आई थिंक आपको ये सम समझ में आ गया होगा। बाय एंड हैव अ